सांप और नेवला एक दूसरे को देखने के बाद आपस में क्यों लड़ने लगते हैं? क्या है इसके पीछे की असली वजह? चलिए जानते हैं। दरअसल सांप जब भी नेवले के बच्चे को अकेला देखता है तो उसे मारकर खा जाता है, क्योंकि सांप को नेवले के बच्चे को खाना बहुत पसंद है। यही कारण है कि नेवला अपने बच्चों को बचाने के लिए सांप को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। इस लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही होती है, क्योंकि सांप को काटने से नेवले के शरीर पर उसके जहर का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार नेवला इसलिए मारा जाता है क्योंकि नेवला बुढ़ापे के साथ कमजोर हो जाता है और ऐसी हालत में वो सांप का मुकाबला नहीं कर पाता है।